वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं हूँ आपका दोस्त मुकीस। अच्छा, तो कुछ लोग जो है कह रहे थे कि भाई डक्स जो है काफ़ी टाइम हो गया आपने नहीं दिखाया, तो उनका क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं? तो इनका शोर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो इसीलिए ये जोड़ा मैंने रखा हुआ है। तो ये जोड़ा जो है अभी इनका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन जो है इनका सीज़न स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में, कई नवंबर में एग देना स्टार्ट कर देती हैं, कई जो है आगे चल के, कुछ ऐसी होती हैं जो दिसंबर में करती हैं, कोई जनवरी में करती है। तो हर एक बर्ड का अपना वो होता है, जब वो ब्रीड का मूड उनका बन जाता है तो वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखें अभी जो है फुल मतलब इनके पर गिरे थे पहले, अब दोबारा नए पर आ चुके हैं, और अभी ये फीमेल को देखें, इसकी झोल वगैरह बनती जा रही है और ये काफ़ी जो हैवी साइज़ में होती जा रही है। तो इंशाल्लाह जो है अभी ये ब्रीड पे आ जाएंगी, अभी इनका सीज़न स्टार्ट होता जा रहा है, देन जो है ये ब्रीड पे जब आएंगी तो ब्रीड स्टार्ट करेंगी, तो फिर मैं जो है आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है। अच्छा, तो इनका असर का टाइम हो चुका है, इनको मैं रोटी डालता होता हूँ, इस वक्त गीली रोटी डालता हूँ। सब बर्ड को गीली रोटी जो है बेस्ट रहती है, ये भिगो के रखी थी मैंने और यहाँ पे अभी रखी है, वैसे अंदर रखता होता हूँ। ठीक है, तो ये भिगो के रखी थी और ये मैं जो है ला के अभी इनको डालूँगा, और साथ में जो है ये इस टाइम पे खाना खाते हैं। तो सबको दूसरी वाली डक्स जो उस तरफ हैं उन वालों को मैंने खिला दिया है, उनको डाल दिया है, लास्ट पे इनका टाइम आता है, इनको फिर आके अब डालता हूँ। तो ये चीज़, तो ये देखिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि सफ़ाई करनी है, तो सफ़ाई जो है सारा साफ़ सुथरा कर दिया है, अभी वो तत्पाल सी पड़ी है, उसको उठा के वहाँ से हटाना है, एंड देन बाकी जो यहाँ पे कचरा वगैरह था उसको भी इकट्ठा कर दिया, बस अब थोड़ा बहुत रहता है जो कि उठा के फिर मतलब बाहर फेंक के आऊँगा। तो फ़िलहाल बस थोड़ा सा काम रह गया, ये जब पूरा हो जाएगा फिर दिखाऊँगा। ठीक हो गया, तो अभी जो है मैं ये टुकड़े जो इनके लिए लेकर आया हूँ वो ला के डालते हैं इनको, ये इसी इंतज़ार में कि कब हमें डालेंगे खाने के लिए। तो बड़ी डक्स का, लॉन्ग नेक का ये चीज़ होती है इनमें कि ये ज़मीन पर अगर कोई चीज़ फेंकेंगे तो उस तरह से ये सही से नहीं खा सकेंगी। तो आपने ये चीज़ करना है कि आपने लॉन्ग नेक को जो भी चीज़ खाने के लिए देनी है वो आपने उनको किसी बर्तन में डाल के देनी है, और बर्तन में डालने के बाद जो है आपने उनको पानी में डाल के देनी है। आप एक गंदम के दाने डालते हैं इनको, तो वो भी जो है आप इनको पानी में डाल के देंगे, तो पानी में ये आसानी से खा लेती हैं और पानी में बेस्ट रहता है इनके लिए। बाकी ये मस्कबी वगैरह अगर ज़मीन पर भी डालो तो खा लेती हैं, लेकिन जो है कि खा लेती हैं लेकिन आसानी से निकाल देती, उनको मुश्किल होती है। तो इसलिए चाहिए कि गीस को जो आप रोटी वगैरह या कुछ डालें तो वो जो है पानी के बीच में डालें, तो वो बेस्ट रहेगा उनके लिए। ठीक हो गया, तो ये पेयर है, और ये जो मस्कवी के बच्चे मैंने निकलवाए थे इनसे अब बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह, और ये चीज़ ठीक हो गया। देन इसको रोटी में डालता हूँ इसके बीच में, ये भी आ जाएंगी। तो ये जो मस्कवी वगैरह साथ हैं इनके, इनको जो है बाहर डालनी पड़ती है, जो है ये इसके साथ नहीं खाती क्योंकि ये मेल जो है अब बड़ा इनको मारता है, इसलिए जो है उनको मैं अलग से डाल देता हूँ वहाँ पे, और बाकी सबको जो है इनको यहाँ पिला दी जाती है। ये देखें ये पेयर है, तो इस जोड़े ने जो है पिछली दफ़ा ब्रीड की थी, मैंने इसको अंडों पे बिठाया था, तो इसने तकरीबन जो है बच्चे नहीं निकाले, सारे अंडे जो है इसके ख़राब हो गए, एक भी अंडा, कुछ एक दो अंडे फर्टाइल हुए थे लेकिन जो है उनमें से बच्चे निकलने के लिए वो भी ख़राब हो गए। तो अब इस दफ़ा अल्लाह खैर करे ये अंडे देगा, तो इसके सारे अंडे तो मैं इसके नीचे नहीं रखूँगा, इसके नीचे मैं मस्कवी के अंडे रख के उसके बच्चे निकलवाऊँगा, लेकिन इसके भी कुछ अंडे मैं उसके नीचे रखूँगा ताकि क्लियर हो सके कि बच्चे निकलते हैं या क्या होता है। ये नया जोड़ा था, फर्स्ट टाइम इसकी ब्रीड थी पिछले साल, अब जो है इसकी सेकंड टाइम ब्रीड होगी, और ये इस सीज़न जब इनका स्टार्ट होता है तो ये सीज़न में जो है दो क्लच देते हैं। दो क्लच मतलब इस तरह से होता है, इस तरह अलग अलग नहीं होता कि एक दफ़ा क्लच हो फिर कुड़ो को हो जाए कुछ, अंडे देते हैं 7-8 अंडे देती है फीमेल या 10 देती है, तो फिर बीच में एक वीक का गैप कर देती है, क्रॉस होते रहते हैं लेकिन जो है अंडे नहीं देती, फिर एक वीक का गैप करती है, और फिर उसके बाद जो दूसरा क्लच स्टार्ट होता है उसमें जो है ये फिर इसी तरह 7-8-9 अंडे देती है, और फिर उसके बाद जो है कुड़ोक हो जाती है, जाके बैठ जाती है जहाँ पे अंडे देते हैं। तो इसका ये नहीं होता कि मस्कवी की तरह इसके नीचे भी जो है अंडे
इसके नेस्ट में पड़े रहें तब ये कुड़ोक होगी। अगर नेस्ट में अंडे नहीं भी पड़े होंगे तब भी जहाँ पे ये अंडे देती है वहीं पे जाके कुड़ोक बैठ जाएगी, और काफ़ी टाइम जब मतलब इसका टाइम पूरा हो जाता है ना तब ये कुड़ोक से उठती है। ऐसे उठती नहीं है, पक्का कुड़ोक बैठती है। और इनके बच्चे जो है वो 30 दिन में निकलते हैं, 30 दिन के बाद से, ठीक है, 30 से 32 दिन में निकलते हैं। तो और मैक्सिमम जो है ये अब 2 क्लच देती है, तो 2 क्लच में ये कितने अंडे, पिछली दफ़ा इसने 18 अंडे दिए थे, पहले कुछ अंडे दिए हैं, फिर बीच में 1 वीक का 10 दिन का गैप किया है, फिर उसके बाद इसने कुछ अंडे दिए हैं, तो 18 अंडे दिए थे। अब इस दफ़ा देखें इंशाल्लाह ये कैसी ब्रीड करती है। तो इनको गीली रोटी मैं इसलिए कह रहा होता हूँ कि डाला करें, क्योंकि वो सेहतमंद, हर परिंदे को और जिसको भी आप डालते हैं वो उससे सेहतमंद रहते हैं। एक तो ये बेस्ट रहता है, जैसे भी आप कई लोग जो ऐसे होंगे देखने वाले वीडियो जिन्होंने जानवर रखे होंगे गाय भैंसे, तो कई लोग गाय भैंसों को भी चारे के बीच में टुकड़े भिगो कर डालते हैं। तो क्यों डालते हैं, ताकि जो है वो दूध अच्छा दें, उनकी सेहत अच्छी रहे। तो ये रोटी बेस्ट रहती है, हम लोग भी तो डेली बेसिस पे जो है रोटी खाते हैं, तो रोटी जो है बेस्ट है और बंदे को तवाना रखती है और परिंदों को भी तवाना रखती है। तो रोटी जो है गीली रोटी सस्ती भी मिल जाती है, और आप अपने परिंदों को गीली रोटी डाला करें, ठीक हो गया। तो इस दफ़ा अब ये कब अब इंशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट करेंगी, देन जो है फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या सीन बनता है। तो गीस को इतनी ख़ास कोई बीमारी नहीं आती, अगर आती भी है तो बहुत कम वो, लेकिन वो रिकवर कर लेती हैं, उस तरह नहीं होता कि जो है मर जाए या कुछ वो सीन हो जाए। तो ये चीज़ है, बाकी जो सीन है जैसे डिवार्मिंग वगैरह करना या कुछ मेडिसिन वगैरह देना, सेब का सिरका पानी में मिला के देना, तो वो आप दे सकते हैं उस पानी में जो आप जैसे इस तरह ये छोटा बर्तन हो उसमें पानी डालें, या फिर ये रोटी जो आपने डाली इसमें ही आप जब इनको रोटी दें तो सेब का सिरका इस पानी में मिला दें, तो वो भी जो है इनके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह आप जो है 15 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में जो है कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपने 2 ml मिला के देना है सेब का सिरका, ठीक हो गया। तो बस ये चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने परिंदों के साथ करेंगे तो वो जो है बेस्ट रहेंगे, उनकी ब्रीड अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब इस दफ़ा देखें क्या सीन बनता है, क्या होता है, ये अंडे देती हैं, बच्चे निकलते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो वैसे मेरा इरादा ये बना हुआ है कि इस दफ़ा जो है मस्केवी की, वाइट मस्केवी की जो अंडे होंगे वो मैं इन्हीं के नीचे रखूँगा और उनसे ही बच्चे निकलवाऊँगा, इनसे ही बच्चे निकलवाऊँगा, मस्केवी से निकलवाऊँगा लेकिन इससे भी निकलवाऊँगा। तो ये चीज़, तो ये हमारे जो मेल रैबिट हैं बाहर, वो भी साथ रोटी खाते हैं, तो देख लें कि वो कई लोग कह रहे होते हैं कि सेहतमंद क्यों है, तो ये भी साथ गीली रोटी खाते हैं, चोकर भी खाते हैं, गीली रोटी भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। तो ऐसे है, ये जोड़ा है, साइज़ में भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये चीज़ है इनका कि इनका कोई भी अगर इधर कोई नया बंदा आएगा या कुछ होगा या कोई भी बिल्ली वगैरह आएगी खड़खड़ होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा मेल जो है काफ़ी शोर मचाता है, फीमेल भी मचाती है और मेल भी। और इनमें मेल फीमेल का क्या फ़र्क होता है, कई लोग पूछ होते हैं, मेल की आवाज़ जो है बहुत लाउड होगी और पतली होगी, फ़ीमेल की आवाज़ जो है मतलब उसकी भी लाउड होती है लेकिन इतनी ज़्यादा, मेल की नस्बत थोड़ी कम होती है लेकिन मोटी आवाज़ होती है, क्वैक क्वैक वाली आवाज़ होती है, लेकिन जो मेल होता है उसकी जो है लंबी सी पतली सी आवाज़ होगी। तो यही चीज़ें हैं, बस इस चीज़ पर अमल करें तो आपके बर्ड जो अच्छी ब्रीड करेंगी। इस दफ़ा जो है जैसी ब्रीड आएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस ये चीज़ थी, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।